वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। और थैंक यू सो मच यूपी के सब्सक्राइबर्स के लिए, आपका ये मैं कहता हूँ कि बहुत ही बड़ा एहसान है कि आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया और 50K सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट किए। बिल्कुल वजह बहुत बड़ी बात है कि 50,000 सब्सक्राइबर हमारे हो गए, हमारे चाहने वालों की मोहब्बत है, दिल की गहराइयों से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें यार कोई शक नहीं, मैं तो कहता हूँ जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। आज का वीडियो कोई रिएक्शन वीडियो नहीं होने वाला, आज का वीडियो होने वाला है क्यों नहीं वीडियो, जिस तरह का टाइटल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो इंट्रो पहले देते, मेरा नाम मुजाहिद है, मेरा नाम नजीब, जैसे जो जो सवाल किए गए हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। तो अभी एक जी लोकेश भाई पूछ रहे हैं, इंडिया कब आ रहे हो भाई? जय श्री राम, जय श्री राम। तो इंडिया कब आ रहे हैं? वजह हमारे तालुकात मुल्क के इंडिया और पाकिस्तान के बेहतर हो जाए तो हम जरूर जाएंगे। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है यार, बस आप प्रे कीजिए कि हम दोनों कंट्रीज में हालात अच्छे हों, इनके आपस में हालात ठीक हो तो हम लाजमी आएंगे। हमें भी बहुत ज्यादा शौक है बिल्कुल इंडिया आने का, बिल्कुल दिल्ली ये वो, मतलब सारा पूरा इंडिया घूमने का शौक है भाई। इंडिया के पीछे तो दीवाने हुए पड़े हुए हम लोग। और अच्छा जी अर्जुन भाई हैं, वो कह रहे हैं कंग्रेचुलेशंस ब्रो, यू एंड योर यूट्यूब फैमिली ऑल द बेस्ट ब्रो, थैंक यू सो मच। और अब्दुल सलाम है भाई, तो वो पूछ रहे हैं कि आप गेमिंग चैनल और व्लॉगिंग चैनल कब शुरू करोगे? वजह अभी तो हमने इस बारे में सोचा नहीं है, अभी तो हम यही चला रहे हैं। वही ना, अभी वाकई में हम लोगों ने कुछ नहीं सोचा इस बारे में कि हम लोग कब स्टार्ट करेंगे। तो अच्छा KTM लवर पूछ रहे हैं, ठीक है वजाहत भाई आप पाकिस्तान में कहाँ रहते हैं? लव फ्रॉम इंडिया। हम लोग यार इस्लामाबाद में रहते हैं और हमने कहाँ पे सही बात है। अच्छा लव फ्रॉम पाकिस्तान से, अच्छा ओके। अच्छा SS नाम का कोई पर्सन है, साहिल लिखा हुआ है, कह रहा है आपके फैमिली मेंबर्स इंट्रोडक्शन प्लीज, कि मतलब कि आप अपने फैमिली मेंबर से मिलाएं। अच्छा फैमिली मेंबर से मिलाएं, जल मिला देंगे वजह। और गाइस में क्या उनसे कोई बड़ी बात है? हमारी इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं है। हाँ एक छोटा मेरा भाई है, एक ये मेरे अब्बू हैं और एक मेरी मम्मा है, बस चार बंदे हैं भाई हम लोग। तो यार ब्लॉग बनाएंगे स्पेशल, तो उसमें हम लोग लाजमी बिल्कुल करेंगे। अच्छा और रजीब देव बोल रहे हैं कंग्रेचुलेशन, मुबारक, शुक्रिया बहुत। वही ना, तो व्लॉगिंग कब शुरू करोगे भाई? बता दिया है अतुल भाई को आपको। अच्छा तुषार जाधव का एक और आया है, ठीक है कोई, आपकी सोच क्या थी इंडिया के रिलेटेड बचपन में और अब क्या क्या है आप इंडिया से जाना, मतलब क्या 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 इंडिया से हमने जाना है? मतलब यार बचपन में क्या मतलब कि बताया जाता है कि भाई दुश्मन है हम लोग। बिल्कुल वजह जो मैंने देखा है अपनी आंखों से इंडिया के सारी वीडियो भी देखी है, पर मुझे सारे मोहब्बत करने वाले नजर, कोई शक नहीं, नीचे इतना प्यार हमें कमेंट्स में मिलता है, प्यार इतना मिलता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इंडिया वाले इतना हमें प्यार दें। कोई शक नहीं यार, कोई शक नहीं। और वाकई में बचपन से जैसे बहुत प्यार दिया, गहरी बात, हम दोनों को में जज्बाती है तो नफरतें थी, कोई शक नहीं, मेरे दिल में भी थी, अबू के दिल में भी हो सकती है, लेकिन जब से हम लोग इस चीज में, हमने चीजें देखी, हमने इन चीजों को महसूस किया, फील किया, तो नफरतें बिल्कुल खत्म हो, सिर्फ प्यार देखा है बिल्कुल। तो अतरावा अदमानी, नाम गलत हो गया तो सॉरी, वो कह रहे हैं आपकी बिल्ली दिखाओ प्लीज और उसका नाम भी बताना। बिल्ली का? हाँ वो जो हमारी छोटी सी बिल्ली है यार, वजह बिल्ली को कहते पकड़ के दिखा देंगे, उसको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, भाग जाती है नहीं है, उसका मूड होता आती है पास प्यार शेयर करने, लेकिन जब उसका मूड ना वो भागती है वही आती पास, तो उसका नाम हमने तो मियाओ रखा हुआ है, मियाओ। और पीटू सुराना कंग्रेचुलेशंस कह रहे हैं, और अच्छा BTS जो है नाम का एक अच्छा। बंदा है वो कह रहा है भाई आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरा छोटा बेटा अमार है, इनकी वालदा है, बस और कोई भी नहीं है, सिर्फ चार आदमी है। अच्छा आपकी अब तक YouTube से अर्निंग कितनी हो गई है? दूसरा सवाल इन्हीं नहीं पूछा है, तो यार ये बातें तो फ्रंट पे नहीं बताते, बिल्कुल सही बात, ये पूछना तो इंस्टाग्राम पे है, मैं उधर ही बताऊंगी, बिल्कुल सही बात। अच्छा
आपके पास कौन सी बाइक कार है यार, बाइक हमारे पास दो हैं, गाड़ी हमारे पास एक है, करीब आना जाना हो तो बिल्कुल, तो बाइक हमारे पास दो है 70, एक बजाज की एक मेरी है, एक इसकी गाड़ी है होंडा सिविक्स, सिविक है मॉडल में, और बकाया जो छोटा सफर करना हो तो बाइक, लंबा करना हो तो गाड़ी। तो अच्छा जी, आप YouTube के अलावा क्या काम करते हैं और एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं? कंग्रेचुलेशंस ब्रो, थैंक यू सो मच यार। हम लोग बिजनेस करते हैं और बकाया जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं वो भाई मेरा सिविल इंजीनियरिंग है। और बाबा आपने क्या पढ़ा हुआ है आप भी बताएं। ये मैंने तो वजह आपको पता ही है, 12 इन लोगों ने 12th क्लास तक पढ़ा, एफएससी की हुई है उस टाइम तक, फिर 12 भी बहुत बड़ी बात, एफएससी की हुई है, उसके बाद मैं जॉब में आ गया और उसके बाद फिर ये सेल में, बिल्कुल वो कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन के फील्ड में आए थे और साथ बिजनेस भी हम लोग फिर करते हैं अपना साइड में। और अनुरीत वोहरा कह रही ये क्यों नहीं है, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या कोई जिसके साथ आप ब्रेकअप होया हो? मुझे आज बस याद है आपकी गर्लफ्रेंड तो मैंने कभी देखी नहीं है, मेरी है ही नहीं, तो क्या है ही नहीं ना, तो देखी कहाँ से होगी, आप देखी नहीं है तो वाह, मतलब कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, मैं सिंगल हूँ भाई। अच्छा हर्ष कह रहे हैं कब अपनी फैमिली से मिलवाओ, अंकल जी नमस्ते, आपको नमस्ते कह रहे हैं। अच्छा बहुत शुक्रिया, अपनी फैमिली से भी मिला देंगे, बिल्कुल मिलाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और बकाया 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 शेर दुर्गा बोल रही है शेर होम टूर, मतलब कि होम टूर कराएं यार, हमारे घर में ऑलरेडी काम चल रहा है तो जैसे ही सारे काम कंप्लीट होते हैं हम डेफिनेटली होम टूर देंगे। सही बात है, इनको दिखा देंगे और क्या, पूरा एक व्लॉग बनाएंगे ना, सब कुछ आप लोग बता देंगे। अच्छा अच्छा ऋषिकेश विशारे कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, और पापा जी आप दोनों अच्छे रिएक्ट करते हैं वीडियोस पर, और आप बाइक्स और कार्स पे रिएक्शन दें प्लीज। अच्छा मुझे हमारा रिएक्शन तो बहुत अच्छा ही है, हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर हो, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि हम रियलिटी पे आके बिल्कुल उसके मुताबिक आए, बिल्कुल बिल्कुल। और जो बकाया गाड़ी और बाइक्स आप डेफिनेटली वीडियो सजेस्ट करें, हम डेफिनेटली इस पे भी रिएक्ट करेंगे, जरूर करेंगे, वही ना। शिखर कह रहे हैं आप कितने बहन भाई, हम दो भाई हैं, बिल्कुल। अच्छा रंजीत सिल कंग्रेचुलेशंस ऑन योर 50K सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। और सिमोने कलरा कह रही हैं व्लॉग भाई कब आएगा, कहीं यार मैं सोच रहा हूँ इधर उधर बंदा घूमने जाए फिर बनाए व्लॉग, बस वजह मैं भी देख रहा हूँ कि लोग कहते हैं व्लॉग में ये शुरू करते हैं किस टाइम पे, थोड़ा सा टाइम निकालेंगे ना स्टार्ट करें। लेकिन यार हम लोग दिखाएंगे क्या आप लोगों को, कुछ हमें बताओ भाई क्या दिखाएंगे आप लोगों को, इस्लामाबाद दिखा दिया, अपने फैमिली मेंबर दिखा दिए, फिर उसके बाद फिर हम लोग पूरा पाकिस्तान ही हमें घूमना पड़ेगा। अच्छा राखी पांडे जी कह रही हैं मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान में हिंदू कम होने का रीजन क्या है? असल मतलब है यार कम नहीं है, ज्यादा ही है हमारे पास, लेकिन इतने कम भी नहीं है कि अपनी अपने इलाके में अपने अपने शहरों में रह रहे हैं, बड़े सुकून से रह रहे हैं और ज्यादा सिंध में रह रहे हैं, सिंध में ज्यादा सिंध में ज्यादा सिंध में, पिशावर में भी है, पिशावर में भी हाँ वहाँ पे सिख भी है और मतलब के हिंदू भी है काफी है। अच्छा अतुल दुगरा कह रहे हैं भाई पाकिस्तानी रिएक्शन के चैनल के साथ कोलाब बनाओ, बिल्कुल बनाएंगे यार, हमारा मुबशर और मेरा एक मेन चैनल है पाकिस्तानी ब्रोस का, वो तो आप लोगों को पता होगा, वहाँ पे बस काम की वजह से आजकल थोड़े वीडियोस बहुत कम आ रहे हैं, लेकिन टाइम जल्दी ही हम लोग उस पर एक्टिव होंगे साथ साथ। तो अच्छा हर्ष कह रहे हैं आपकी सोच क्या थी इंडिया के बारे में चैनल शुरू करने से पहले, ये स्पेशली आपके लिए सवाल है। वजह मेरी सोच बड़ी सही नहीं थी, मैं इंडिया के बारे में बड़ी गलत बातें सोचता था ना, मैं इंडिया में सुनता था ऐसे हो गया ऐसे कर दिया इंडिया वालों ने, पर जब मैंने ये वीडियो सारे हालात देखे तो मैंने दौड़ समझ में नहीं आई कि क्या इंडिया सही है, बिल्कुल ठीक है, हर चीज ठीक है, ये मीडिया वाले गलत बताते हैं, मीडिया वालों के तो सबसे कसूर है कि आज हमारे दरमियान लाइन है और हम यहाँ पे गुस्से में बैठे हैं और इंडिया वाले वहाँ पे, बिल्कुल मेरी सोच इंडिया के बारे में 100% सही है, बिल्कुल कोई ऐसी बात ही नहीं है, इतनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो उन्होंने हमें मोहब्बत दी है, मैं सोच भी नहीं सकता, कोई शक नहीं इसमें, कोई शक नहीं, बहुत प्यार दिया है
अच्छा हर्ष हनी कह रहे हैं भाई आपकी कोई जीएफ है क्या, अगर है तो कौन है? भाई मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं गरीब बेचारा सिंगल हूँ, अब मेरा ऑलरेडी मैरिड। ओए अच्छा, और अच्छा शेखर वाला कह रहे हैं, शेखर वाला ठीक है, अच्छा। आप किस टाइप का बिजनेस करते हैं और व्हाट्स योर फादर डू? यार हमारा दरअसल ना यहाँ पे मॉल है, उसके अंदर हमारी शॉप है एक शूज की, और एक बार हमारा इलेक्ट्रिक बड़ा स्टोर है, और पापा उसका क्या कहते हैं, उसकी निगरानी करनी पड़ती है और बड़ा बिजनेस चलाना पड़ता है क्या कहते हैं। और जो पापा है आप अपने जॉब का बता दें सही तरह से इनको। मैं जॉब टेलीकम्युनिकेशन में करता हूँ, सही बात है। तो शूज की दुकान है जो, और इलेक्ट्रिक की दुकान है, उसमें हमने दो आदमी रखे हुए हैं, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट हमने किया है, बकाया वही चलाते हैं, वही हम जाके शाम को निगरानी करते हैं। आप तो कम ही आते हैं, मैं बैठा रहता हूँ वहाँ पे, आप कहाँ किधर उधर आते हैं। अच्छा हिमांशु गोस्वामी कह रहे हैं आपके पास कौन सी कार है? होंडा सिविक ली है और कोई नहीं है। मैं तो बेटे के साथ बैठ के जाता हूँ इधर, जिधर जाना होता है, मुझे चलानी नहीं आती। ऐसी झूठ बोल रहे हैं, थोड़ी बहुत चलाते हैं ज्यादा। मैं तो देखो बड़े रोड पे तो नहीं चला सकता जैसे आप चलाते हैं, कोई शक नहीं भाई। अच्छा आप क्या चीज का बिजनेस करते हैं? मैंने आपको बता दी शूज की शॉप है, साथ हमारा इलेक्ट्रिक स्टोर है, तो बस वहाँ की थोड़ा बहुत हम लोग देखते हैं अपना। अच्छा कभी स्कूल या कॉलेज गए हो? इंग्लिश में इतने कमजोर कोई कैसे हो सकता है? क्या मतलब है? अच्छा नहीं गए यार, मैंने पंखे बहुत मारी हैं। अच्छा तो क्यों आपको आपको नहीं पता? वो आपको नहीं मिलता होता था वो उसका कॉलेज से कॉल? हाँ बिल्कुल बिल्कुल वजह, वो आपके बिल्कुल, वो मुझे प्रिंसिपल आपके टेलीफोन करते थे, आप स्कूल नहीं जाते थे, कॉलेज नहीं जाते थे। वही ना भाई, इसके बावजूद आपने अच्छे नंबरों से पास किया, इसमें कोई शक नहीं, कोई पढ़ाई होते बच्चे, कोई ऐसी बात नहीं। ये मैं कह सकता हूँ कि लाइक थे, लेकिन काले से बातें थे, पर फिर भी अच्छे नंबरों से आपने पास किए। ओ माय गॉड यहाँ पे हुई है सारा क्यों नहीं खत्म यार? सारे सबकी क्वेश्चंस मैं जो सामने आए हुए थे बाबा, वो हमने रिप्लाई करने की पूरी कोशिश और सारों का किया है, किसी का रह गया तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, लेकिन कोशिश की सब काम नहीं किए थे, सब व्यू का सब सब्सक्राइबरों का थैंक यू। हाँ यार इसमें बहुत शुक्रिया, जो आपने मोहब्बत दी, प्यार दी, दिल की गहराइयों से शुक्रिया। इसमें यार कोई शक नहीं, मैं भी दिल की गहराइयों से आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इतना ज्यादा प्यार कोई कैसे किसी को कर सकता है यार, मतलब अपना से ज्यादा तो आप लोग अच्छे हो यार, जो इतना हमें प्यार करते हो, बहुत प्यार दिया, बहुत यार, मतलब कि आप जान देते हो हम पे। वजह पहले मैं सोचता था कि इतना प्यार नहीं मिलेगा, पर जो इन्होंने प्यार दिया है तो मैं आंखें दंग रह गई कि मैं क्या बोलूंगा, बोल गया हूँ सब, वही इतना प्यार इंडिया वालों ने, बंदा नफरतें भूल जाता जब प्यार मिला, तो यही हमारे साथ भी, हम लोग नफरतें भूल गए, हमें प्यार इतना मिला। तो यार आप लोग बताएं आपको क्यों नहीं अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्यों नहीं आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।